मिश्र आप देख रहे हैं नेशनल खबर। इंदिरा गांधी लुक में ट्रेंड हुई लारा दत्ता, फैंस बोले मेकअप आर्टिस्ट को मिलना चाहिए नेशनल अवार्ड। फिल्म बेल बॉटम का कल शाम ट्रेलर रिलीज किया गया। इस फिल्म में अक्षय कुमार, लारा दत्ता, हुमा कुरैशी जैसे कई अद्भुत कलाकार नजर आने वाले हैं। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें प्लान को हाईजेक कर लिया जाता है। अक्षय कुमार फिल्म में अंडरकवर एजेंट की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस, म्यूजिक और वर्चुअल्स ने फैंस का दिल जीत लिया है। लेकिन लारा दत्ता का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लुक तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस असल में लारा दत्ता को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। लारा दत्ता के लुक को बनाने के लिए काफी हद तक प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे वो पहचानने में नजर ही नहीं आ रही हैं। लारा को बूढ़ा और मैच्योर कैरेक्टर दिया गया है। शुरुआत में लारा दत्ता को ट्रेलर में लोगों ने पहचाना ही नहीं था। बाद में सोशल मीडिया पर लोग लारा दत्ता के लुक के बारे में बात करने लगे। देखते ही देखते लारा दत्ता ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। लोगों का कहना है कि मेकअप आर्टिस्ट को लारा दत्ता के प्रोस्थेटिक लुक के लिए नेशनल अवार्ड देना चाहिए। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रधानमंत्री की भूमिका में लारा दत्ता हैं। एक यूजर ने लिखा है कि लारा दत्ता इंदिरा गांधी की तरह नजर आ रही हैं। क्या बेल बॉटम किसी पॉलिटिकल प्लॉट पर आधारित है? एक और यूजर ने लिखा है, मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या ये लारा दत्ता है? हमारी मिस यूनिवर्स शानदार, इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। आपको बता दें कि बेल बॉटम को 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। देखते हैं कि जब 19 अगस्त को ये मूवी जब रिलीज होती है तो कितने दिलों पर राज करती है। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।